हेलो एवरीवन, इंडियन बाइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेट लॉस के लिए एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मसाला ओट्स, और मसाला ओट्स बनता है ओट्स के दलिया से। तो अगर आप वेट लॉस में हैं तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें अब हमें रोस्ट करना है एक कप ओट्स, ओट्स का जो दलिया आता है वो। और मैंने इसे मेजरिंग कप से मेजर किया है। अगर आपके पास नहीं है, आप कोई भी घर में जो कटोरी होती है उससे कर ले। और 8 से 10 मिनट तक इसे हमें भूनना है। आप चाहें तो कच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ अब ये ओट्स भून चुके हैं। तो ओट्स को प्लेट में निकालने के बाद मैंने सेम पैन लिया है और उसमें हमें अब 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, और ऑयल को हमें गर्म करना है। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। और आप देख सकते हैं जीरा फ्लटर हो चुका है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और प्याज को हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट ही भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप चाहें तो चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज का टमाटो, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और 1/2 टीस्पून मैं लूंगी जीरा धनिया पाउडर, और इसको अब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो जलने ना, इसके लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी पानी। बहुत हल्का सा पानी डाला है मैंने ताकि मसाले ना जल जाएं। और अब हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं टमाटर गले हैं या फिर नहीं गले हैं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब हमें इसमें डालना है सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी कैप्सिकम और गाजर डाले हैं। और आपके पास जो भी सब्जियां हैं अवेलेबल, या आपको जो भी पसंद है आप वो डालें। मैंने ये चारों चीज़ें डाली है, बहुत ही हेल्दी सब्जियां हैं। और इसे हमें अब बस थोड़ा सा सॉटे करना है, बस इसी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें पकाना है। और अब हम इसे कवर करेंगे, पानी नहीं डालना है, सब्जियां अपनी ही स्टीम में पकेंगी, हमें बहुत गलानी भी नहीं है सब्जियां। तो यहाँ 2 से 3 मिनट ही मैंने उसे पकाया है, और यहाँ आप देख सकते हैं सब्जियों भी अच्छे से थोड़ी सी सॉटे हो चुकी है, मसालों के साथ ही भुन चुका है, अच्छे फ्लेवर आ जाता है इससे सब्जियों में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा सा, मतलब 1/2 इंच का ही अदरक होगा, उसको मैंने बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहें तो अदरक की जूलियंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं, जो नॉर्मल ग्लास होता है पानी पीने का घर में। और इसे अब हम ढक के 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है। और रोस्ट किए हुए जो ओट्स के दलिया थे जिन्हें हमने रोस्ट किया था, वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर करके 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। ओट्स बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, 5 मिनट में ओट्स पक जाते हैं। और चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखो ओट्स एकदम अच्छी तरह से गल चुके हैं। इतना ही हमें पकाना है। मसाला ओट्स बहुत ही हेल्दी वाली मसाला ओट्स रेडी है वेट लॉस के लिए। बिल्कुल भी बाजार की ना खाएं, क्योंकि बाजार में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अब यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और थोड़ा सा
नींबू का रस। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डालें, और नहीं तो लाइम जूस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी बन जाता है ये मसाला ओट्स। जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप वेट लॉस में हैं तब भी और नहीं है तब भी, क्योंकि ओट्स और सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन है होता है, और डिनर में जरूर खाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मैं एक बार क्लोजअप लुक भी बता देती हूँ। ये देखिए कितनी डिलीशियस सी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।